हेलो गाइस, वेलकम टू अच्छे ने। दोस्तों, डेली इंपॉर्टेंट ऑनलाइन और करंट अफेयर्स की आज के सेशन पे आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देरी न करते इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला, एनएसएपी हैज़ बीन इम्प्लेंट बाय मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एनएसएपी करके यहाँ पर एक लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि सिंस मतलब 1995 से ये यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, इसका नाम है एनएसएपी। तो यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनएसएपी का फुल फॉर्म क्या है और ये किसने यहाँ पर से इम्प्लीमेंट किया था। तो इम्प्लीमेंट किया था मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। तो कब किया था? 1995। तो यहाँ पर आर्टिकल 151 क्या है? दोस्तों, आर्टिकल 151 है कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट द सीएजी टू प्रेजेंट ऑडिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 151 है, यहाँ पर जो हमारे जो सीएजी है उन सब उनको जो बोला जा रहा है कि आप लोग को यहाँ पर जो ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के लिए यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के ऊपर टेक्नोलॉजी, माफ कीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेट लॉन्च इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज IWBDC। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेट्री ने क्या लॉन्च किया है? इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज यहाँ पर जो लॉन्च किया है, ये क्या है ये चीज़? IWBDC इज अ ओपन चैलेंज कॉम्पिटिशन दैट सीक्स टू एम्पावर टेक्नोलॉजी एनालिस्ट्स एंड डेवलपर्स टू क्रिएट एन इंडिजीनियस वेब ब्राउजर। तो यहाँ पर वेब ब्राउजर यहाँ पर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो है चैलेंज यहाँ पर जो दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? मेट्री के द्वारा। उसके बाद रिवाइज टाइमलाइन फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो शेयर मार्केट पे IPO लॉन्च होता है तो उसका यहाँ पर जो है रिवाइज टाइमलाइन कर दिया गया है, क्योंकि पहले जो आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया गया था 6 डे का, यहाँ पर जो है IPO लिस्टिंग ऑफ कंपनीज फ्रॉम 6 डे टू 3 डे। तो यहाँ पर जो 6 दिन लगता था अब वो यहाँ पर 3 दिन लगेगा, लेकिन कब से लगने वाला है? द रिवाइज T+3 डे टाइम लाइन विल बी बिकम मैंडेट फ्रॉम 1 दिसंबर 2023। मतलब यहाँ पर जो दिसंबर के पहला तारीख से यहाँ पर आप लोग का ये चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट, PUSHP पोर्टल वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो यहाँ पर PU क्वेश्चन आ सकते हैं, PUSHP यहाँ पर किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। उसके बाद एक्सरसाइज जायद तलवार, ये क्या है? ये है, इट इज़ द नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड UAE। तो इंडिया एंड UAE के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होता है उसका ही यहाँ पर नाम दिया गया है, एक्सरसाइज जायद तलवार। दिस ईयर इट विल बी कंडक्टेड एट पोर्ट रसीद, मैन मेड कॉमर्शियल पोर्ट। तो कहाँ पर इस बार होने वाला है? तो पोर्ट रसीद पे होने वाला है, जो कि मैन मेड कॉमर्शियल पोर्ट है इन दुबई के अंदर। तो इस बार जो है दुबई के अंदर आप लोग का यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद अतिथि पोर्टल, एक क्या है और किसने लॉन्च किया? अतिथि पोर्टल एक है, इट इज लॉन्च बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला टू एक्सपर्डाइज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर माइग्रेंट वर्कर। तो यहाँ पर किसने लॉन्च किया है? केरला यहाँ पर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अतिथि पोर्टल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए भी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।